हेलो स्टूडेंट्स जे ई क्लासेज मेरठ में आपका स्वागत है मैं आपका अपना मैंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग पिछली क्लास में हमने ई e कॉमर्स क्या होता है ई कॉमर्स कहाँ से आया कैसे था ये सब हम लोग अब तक देख चुके तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ई e कॉमर्स के वो कौन से फोर सीज हैं या वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं फोर सी जिन्हें कहा जाता है जो आपके ई e कॉमर्स में आपकी हेल्प करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फोर सीज इन ई कॉमर्स कौन से हैं वो चार सी वो चार सी हैं आपके पास पहला है कन्वर्जेंस दूसरा होता है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तीसरा है कोलैबोरेशन और चौथा हो गया आपका कॉल सेंटर एंड कम्युनिकेशन तो ये वो चार सी हैं जो आपके ई e कॉमर्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं या कह सकते हो कि सारा का सारा ई कॉमर्स इन्हीं चार सी के ऊपर टिका हुआ है और इसी के ऊपर काम कर रहा है तो चलो हम एक एक सी को लेते जाएंगे और एक एक सी को समझते जाएंगे तो हम सबसे पहला हमारा जो सी है इज़ योर कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है सबसे पहले देखो कन्वर्जेंस का मतलब समझो कन्वर्जेंस है क्या कन्वर्जेंस का मतलब है मिलना साथ मिलकर काम करना अब किसके साथ मिलकर काम करोगे बात तो ये उठता है ना कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ मिलना या मिलकर काम करना इट मींस डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वर्किंग विद ईच अदर यानी कि टेक्नोलॉजी दो अलग तरीके की टेक्नोलॉजी मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कैमरा एंड टेलीफोन वर टू डिफरेंट गैजेट कंप्यूटर वर मेड ऑफ कंप्यूटिंग वर्क नॉट फॉर अदर पर्पज सच एज गेमिंग एंड सर्फिंग द इंटरनेट अब देखो भाई दो टेक्नोलॉजी अलग अलग थी पहले क्या था फोन अलग चलते थे आपके कैमरा अलग चल रहा था आपका अब क्या हुआ कैमरा और फोन को मर्ज कर दिया गया एक ही जगह यूज कर लिया गया दो अलग अलग टेक्नोलॉजी एक ही जगह यूज हो रही है आप उसी फोन से तो कॉल कर पा रहे हो और उसी फोन से आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो तो क्या हुआ देखो कैमरा और टेलीफोन किस लिए यूज वा? अलग अलग गैजेट्स हैं कंप्यूटर किस लिए बने थे कंप्यूटिंग द वर्क काम करने के लिए कंप्यूट करने के लिए और कैमरा किस लिए बना था फोटो खींचने के लिए लेकिन आज के टाइम पे दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो क्या बन गया है आपके स्मार्टफोन बट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी गैजेट्स नाउ डिलाइट ऑल यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी दिस इंटर कनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीडिया कंटेंट एंड कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज मीडिया कन्वर्जेंस यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी मीडिया सामग्री और कंप्यूटर नेटवर्क के इस अंतर संबंध को मीडिया अभिसरण के रूप में जाना जाता है मीडिया अभिसरण मतलब मीडिया कन्वर्जेंस जहां पर बहुत सारी चीजें मिलकर एक साथ काम कर रही हो, दैट इज कन्वर्जेंस समझ में आई बात अभी ई कॉमर्स में इसका कहां यूज है अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि ई कॉमर्स में इस कन्वर्जेंस का कहां यूज हो रहा है इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज सर्विसेस एंड प्रैक्टिस टू डिलीवर कंटेंट इन न्यू एंड यूनिक वे जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड सेलफोन टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज फिल्म एक्टिविटी स्ट्रीमिंग म्यूजिक एंड वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो गेम्स फ्रेमवर्क क्या हुआ इंडस्ट्रीज चेंज हो गई क्योंकि आज के टाइम पे लोग किसके ऊपर डिपेंड हो गए टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गए पहले मार्केट कैसा चल रहा था मार्केट सिंपल होता था लोग चीज़ों के आदान प्रदान करते थे कि भाई मेरे पास गेहूं है तुम गेहूं ले लो तुम्हारे पास बाजरा है मुझे बाजरा दे दो तो ये क्या था हम अपना सामान दे रहे थे सामान के बदले सामान ले रहे थे धीरे धीरे मार्केट डेवलप होती गई पैसे आ गए फिर पैसे चलने लगे तब भी मार्केट कैसी थी तब भी ऑफलाइन मार्केट थी कि दुकानें खुली हुई थी हम जा रहे थे पैसे दे रहे थे सामान ला रहे थे टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई फ़ोन आ गए टेक्नोलॉजीज आ गई अब क्या हुआ अब सामान ऑनलाइन आ गया अब ज़रूरत पड़ गई कन्वर्जेंस की क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई ऐसे ऐसे हमें इस कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ती गई जैसे ऐसे मानो मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ मेरी दुकान बहुत इंटीरियर है बहुत अंदर है मैं लोगों तक अपनी रीच कैसे बनाऊँ मैं लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा तो क्या हुआ मुझे एक करना पड़ा मुझे कन्वर्जेंस करना पड़ा मुझे मिलके काम करना पड़ा किसके साथ मुझे जुड़ना गया अमेजोन के साथ क्यों क्योंकि रीच बहुत लोगों तक है तो मैं अपना प्रोडक्ट क्या कर रहा हूं अमेजोन पे बेच रहा हूँ दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस मिलकर काम करना टेक्नोलॉजी को आपस में मिलाकर यूज करना इज कॉल्ड कन्वर्जेंस अगला क्या है देखो जैसे विकीपीडिया जी मेल म्यूजिक ये सब किसके अंदर समा गए एक फोन के अंदर समा गए इट इज अग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंस ये कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है इसी तरीके से आप फोन में क्या क्या कर सकते हो इंटरनेट चला सकते हो गेम खेल सकते हो गाने सुन सकते हो मैप का भी यूज कर रहे हैं नेविगेटर भी बन गया अब आपका फोन क्या है दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस सबको मिला के एक साथ काम करना टेक्नोलॉजीज को एक साथ यूज करना इज कॉल्ड कन्वर्जेंस अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको सीएमएस कहा जाता है सीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम किसका कंटेंट वेबसाइट का कंटेंट वेबसाइट क्यों क्योंकि हम लोग ई e कॉमर्स की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कॉमर्स होना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही चीजें बेची जाएंगी खरीदी जाएंगी तो कंटेंट मैनेजमेंट क्या कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब सिस्टम क्या है जो इंटरनेट पर जितना भी कंटेंट रखा गया है उसको मैनेज करने का काम सीएमएस करता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस क्या देख रहा है आपकी वेबसाइट को देख रहा है एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क आप जो उस पर फाइलें डाल रहे हो पीडीएफओ एच हो ओपन सोर्स डोमेन डेटा ये सब मिलकर कंटेंट मैनेजमेंट के पार्ट है ठीक है चलो अब हम पहले सीएमएस को समझते हैं कि सीएमएस है क्या सीएमएस एक प्रकार का कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो सीएमएस समझ में आया सीएमएस क्या है एक कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है जिसकी मदद से हम कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं कंटेंट मतलब जिसको हम डिजिटल फॉर्म में देख सकते हैं पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं उसे कंटेंट कहेंगे वो कुछ भी हो और कंटेंट मैनेजमेंट से तात्पर्य है कि डिजिटल कंटेंट को मैनेज करना या कंटेंट को डिजिटल रूप में मैनेज करना इस प्रक्रिया को हम कंटेंट मैनेजमेंट कहते हैं यानी कि हम जिस चीज को भी इंटरनेट पर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं वो सब कंटेंट है जैसे अगर आप अमेजोन खोल रहे हो तो अमेजोन में आपको क्या हो रहा है अमेजोन पे आपको वो पिक्चर आपको प्रोडक्ट भी दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है उसका प्राइस भी दिखाई पड़ रहा है उसके क्या क्या फीचर्स हैं आप ये भी पढ़ पा रहे हो तो ये सब क्या हो गया ये सब कंटेंट है समझ में बात अब इसको जो मैनेज करे इसको जो मैनेज करे वो सीएमएस है कंटेंट मैनेजमेंट लेकिन हमें कंटेंट को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है इसी सिस्टम को हम सी यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं सी का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है कंटेंट को एडिट करना अपलोड करना डिलीट करना ये सब प्रक्रिया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा करी जाती है भाई मेरे पास आज एक फोन है एक फोन है अब मुझे इस फोन को फीचर्स मेरे चेंज हो गए मुझे इस फोन को इस पर से डिलीट करना है एक नया फोन इसमें लगाना है या ऐसे कह सकते हो अमेजोन पे आपको दिखता होगा कि एक प्रोडक्ट आया और उस पर फिर लिखा हुआ आ गया सोल्ड सोल्ड का मतलब बिक गया तो अब क्या करना है मुझे मुझे उस प्रोडक्ट को वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा ना तो जब मुझे उसे डिलीट करना पड़ रहा है या मेरे पास कोई प्रोडक्ट आया मुझे उसे उसमें अपने अमेजोन के ऐप पर डालना है तो उसको मुझे ऐड करना हो गया दैट इज कॉल्ड अपलोड करना अपलोड करना डिलीट करना एडिट करना एडिट का मतलब मैंने कुछ अमाउंट लगा रखा था कुछ पैसे लगा रखे थे मान लो मेरा एक फ़ोन चौदह हजार रुपये का था मार्केट में रिव्यू मतलब चेंजेस हुए वो पंद्रह हजार रुपये का हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं चौदह का तो नहीं बेचूंगा ना मैं क्या करूँगा उसको एडिट करूँगा क्योंकि मेरा ऐड ऑलरेडी वहाँ पड़ा हुआ है तो मैं उसको एडिट कर पाऊँ तो ये सारा काम किसका है ये सारा काम सी का है आपके कंटेंट को मैनेज करने का काम करता है कौन सी अंतर्गत आती है ये सभी प्रक्रियाएं हम सी एम एस के माध्यम से कर सकते हैं ऑनलाइन कंटेंट को मैनेज करने के लिए हमें कोडिंग की आवश्यकता पड़ती थी लेकिन हर किसी को कोडिंग की नॉलेज नहीं होती क्योंकि तो भाई वेबसाइट पे अगर कोई चीज पड़ी हुई है कोई सॉफ्टवेयर है तो सीधी सी बात है ना कि उसके लिए कोड लिखा गया होगा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा अब हर किसी को तो कोड नहीं आता या हर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला सकता तो ये बड़ा मुश्किल काम था तो उसके लिए क्या करा गया सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको एक पैनल मिल गया एक सॉफ्टवेयर ऐसा दे दिया है, जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप ये सारे काम कर पा रहे हो आपको इससे मतलब नहीं है कि आप कोडिंग क्या है या इसके बैकएंड में क्या चल रहा है आपको कोडिंग आती हो या ना आती हो बट यू कैन यूज सीएमएस ठीक आप सीएमएस के कितने प्रकार हैं पहला प्रकार डॉक्यूमेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वैसे तो इनके नाम से भी पता चल रहा है डॉक्यूमेंट इसका उपयोग पीडीएफ एक्सेल टेक्स्ट फाइल जैसे डॉक्यूमेंट्स फाइल को मैनेज करने के लिए किया जाता है यानी जहां भी डॉक्यूमेंट्स आ जाएं वो डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में हो सकते हैं पिक्चर की फॉर्म में हो सकते हैं वर्ड की फॉर्म में हो सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में हो वो जिस भी फॉर्म में अगर आप उनको मैनेज करना चाह रहे हो मैनेज करना मतलब एडिट करना अपलोड करना या डिलीट करना वो किसी भी फॉर्म में हो किस में आएंगे डॉक्यूमेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में दूसरा प्रकार कौन सा है भैया एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका उपयोग किसी संस्था के दस्तावेजों को मैनेज करने के लिए किया जाता है वह सही ग्राहकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सही ग्राहकों मतलब एक वर्ड यूज हुआ यहां पे सही ग्राहकों सही ग्राहकों क्या है सही ग्राहकों का मतलब है कि मान लो मेरी एक कंपनी है मैं आ, टायर बनाता हूँ क्या बना रहा हूँ मैं टायर गाड़ी के टायर बाइक्स के टायर गाड़ियों के टायर ट्रक के टायर अब मेरा कस्टमर कौन होगा मेरा कस्टमर वो होगा जो आदमी गाड़ी चलाता होगा बच्चे नहीं है ना मेरा ग्राहक जो एक खिलौना बनाने वाला होगा उसके ग्राहक कौन है बच्चे बड़े नहीं है उसको सही ग्राहक ढूंढना है किसको के बच्चों को मिलना चाहिए इसी तरीके से एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम जो कि एंटरप्राइज मेरी कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना उनको चलाना लोगों को दिखाना और सही ग्राहक तक जानकारी पहुंचाना अब ऐसा ना हो कि मेरा शॉप जो मेरा बनाने वाला प्रोडक्ट है वो तो है टायर और वो दिखाई पड़ रहा है किसको बच्चों को अब बच्चे उसका क्या करेंगे उनके लिए किसी काम का नहीं है ठीक है तीसरा है कंपोनेंट कंटेंट मैनेजमेंट कंपोनेंट मतलब एक सिंगल विषय को मैनेज के लिए जाना जाता है जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में डेस्क्रिप्शन इत्यादि देखते हो ना प्रोडक्ट्स के नीचे उसके डेस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट कंटेंट चौथा वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका इंटरनेट पर प्रकाशित कंटेंट को मैनेज करने के लिए किया जाता है इसका मुख्य काम वेब कंटेंट को मैनेज करना होता है वेब कंटेंट मतलब वेब कंटेंट मतलब जो भी हम लोग इंटरनेट पर चला रहे हैं इंटरनेट पे एक पिक्चर भी पड़ी होगी है ना कोई एक वेबसाइट होगी उस वेबसाइट में कितना स्पेस लेना है कितना स्पेस यूज करना है उसकी कोडिंग कैसे होनी है ये सारा काम वेब कंटेंट करना चौथा होता है, हो है डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यह एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि डिजिटल कंटेंट को मैनेज करने का काम करता है चलो नेक्स्ट अब भैया सीएमएस की कुछ विशेषताएं भाई जब तक अगर उसका कुछ यूज नहीं होगा उसकी कोई विशेषता नहीं होगी तो हम सीएमएस का यूज करेंगे क्यों है ना तो चलो उसकी विशेषताएं है, देखते हैं तो सीएमएस की पहली विशेषता सी एम एस के मदद से हम कंटेंट को एडिट, डिलीट या एड कर सकते हैं ये तो उसका मेन काम था ही। यानी कि पूरी तरह से कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं CMS के मदद से हम कंटेंट को एस सी ओ फ्रेंडली बना सकते हैं एसई क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे एस सी ओ क्या होता है इसके बारे में हम पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे सी एम एस की मदद से हम कंटेंट के यू आर एल को बेहतर तरीके से अपने हिसाब से एस फ्रेंडली बना सकते हैं देखो बार बार एक वर्ड आ रहा है एस अब एस एक ऐसा वर्ड है कि मैं आपको खड़े मतलब तुरंत ऐसे नहीं समझा सकता वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ एस के लिए ये कहा जाता है कि जैसे मेरी वेबसाइट तक कितने लोगों की पहुँच है मेरे फेसबुक पे कितने फॉलोवर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं फॉलोवर्स कब बनेंगे जब लोग ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे अब ज्यादा कब करेंगे जब मेरी वेबसाइट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी दैट इज कॉल्ड एस ठीक है तो सीएमएस में हम प्लग के जरिए अपने कंटेंट में तरह तरह के एलिमेंट लगा सकते हैं जिससे हमारा कंटेंट बेहतर तरीके से प्रकाशित हो पाए सीएमएस हमें तरह तरह के थीम्स मिलते हैं सीएमएस में जिनका उपयोग करके यूजर के सामने अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से पेश कर सकें सीएमएस के कुछ नुकसान अगर किसी चीज के कोई फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे भाई अगर किसी चीज का कोई फायदा है तो उसका नुकसान भी तो होने वाला है ना तो नुकसान क्या है वैसे अगर देखें तो उसके नुकसान है नहीं बहुत रेयर बहुत कम बहुत कम नुकसान होते हैं लेकिन फिर भी नुकसान है थोड़े ही सही पर हैं तो सही वैसे अगर हम देखें तो सीएमएस के कुछ भी नुकसान नहीं है इसके फायदे के सामने लेकिन सीएमएस के भी कुछ नुकसान मिलते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं कैसे सीएमएस में हम कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिसका उपयोग करने के लिए हमें पैसे पे करने की आवश्यकता होती है यानी कि सारे फीचर्स हमको फ्री नहीं मिल पा रहे हैं दूसरा सीएमएस में हमें सुरक्षा कम मिलती है सिक्योरिटी नहीं है कंटेंट मैनेजमेंट है कोई भी खो सकता है मेरे कंटेंट को मैनेज कर पाएगा अगर हम सी को सही तरीके से उपयोग करना नहीं आता तो हमें सुरक्षा का खतरा हो सकता है अगर हम सी का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे में हमें पूरी तरह से प्लगइन्स पर निर्भर होना पड़ता है प्लगइन्स क्या होते हैं अगर आपने एच या सी पढ़ी होगी तो वहां पे हमारे प्लगइन्स होते हैं कोडिंग के माध्यम से बनाए गए वेबसाइट की तुलना में सीएमएस वाले वेबसाइट की गति कम होती है यानी कि हम पूरी की पूरी वेबसाइट को सी के माध्यम से मैनेज तो कर सकते हैं पूरी की पूरी वेबसाइट को बना भी सकते हैं लेकिन वो रेस्पॉन्सिव कम होगी रेस्पॉन्सिव मतलब उसकी स्पीड कम होगी जो हम कोडिंग के माध्यम से वेबसाइट बनाते हैं उसकी स्पीड फास्ट होती है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करा जा सकता है सीएमएस वाली वेबसाइट की गति कम होती है सीएमएस में हमें सभी तरह के कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं मिल पाते जिसकी वजह से बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम सी एम एस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते यानी कि अगर मुझे कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है या कोई एक बहुत बड़ा कंटेंट तैयार करना है तो मैं पूरी तरीके से सी एम एस पे निर्भर नहीं रह पाऊंगा मुझे कोडिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए कोडिंग वाली वेबसाइट्स ज्यादा रेस्पॉन्सिव होती हैं ज्यादा लंबे टाइम तक चलती हैं और उनकी स्पीड फास्ट होती है ठीक है कस्टमाइज नहीं कर सकते हम सी एम एस को उसके अंदर जो थीम दी गई होंगी हम वही थीम यूज कर पाएंगे एज इट इज हम चाहे नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो नहीं होने का ठीक है थीके? आपको मैं दिखाऊंगा सी एम एस होता क्या है कैसे हम मैनेज करते हैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा मैं आपको अब बात करते हैं कोलैबोरेशन की भैया ये कोलैबोरेशन क्या है कोलैबोरेशन आपको पता ही है सहयोग किसका सहयोग एक दूसरे का सहयोग इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर देम टू लर्न दैट अदर पीपल डू नॉट ऑलवेज द सेम आइडियाज दैट दे डू कोलैबोरेशन इज वाइटल बिकॉज

कोलाबरेशन होता है एक दूसरे का सहयोग बिना सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर हम इसको बिजनेस में बात करें जिसकी हम लोग एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं वहाँ हम लोग किसका सहयोग ले रहे हैं लोगों का सहयोग ले रहे हैं अभी आपने देखा होगा आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो उस पर लिखा होता है ट्रायल बेस्ड ट्रायल फॉर टेन डेज ट्रायल फॉर ट्वेंटी डेज ट्रायल फॉर थर्टी डेज वो कहते हैं ट्रायल फॉर थर्टी डेज आते हैं क्या आप तीस दिन भाई साहब हमारे प्रोडक्ट यूज करके देखो अगर आपको इसमें कोई कमी दिखाई पड़ रही है आप हमें बताओ जब आप हमें बताओगे तभी तो हम इसको ठीक करेंगे हम उस कमी को ठीक करके फिर इसको और अच्छे ढंग से आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे दिस इज कॉल्ड कोलेबरेशन कोलेबरेट करके काम करना दूसरा कोलेबरेशन कहाँ आ सकता है इसमें एक कोलाबरेशन ये हो सकता है कि भाई साहब मेरी टेक्निकल आस्पेक्ट बहुत अच्छी है मैं टेक्निकली बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ लेकिन मैं फिजिकल काम नहीं कर पाऊंगा तो फिजिकल कौन है मैं फिजिकल काम करने के लिए एक दूसरे का सहयोग ले लूँ वो फिजिकल काम अच्छा कर सकता है टेक्निकल नहीं कर सकता तो मैंने क्या करा उससे का करा कि अच्छा एक काम करो भाई तुम मेरे लिए ये प्रोडक्ट ऐसे तैयार कर दो और मैं तुम्हारी टेक्निकली हेल्प कर दूंगा तुम मेरी फिजिकली हेल्प कर दो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोलैबोरेशन जैसे चलो एक और लाइव एग्जाम्पल जैसे आप बाहर देखते हो गए के होर्डिंग्स लगाए गए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए अब जो डिजाइनर है वो फ्लेक्स का डिजाइन तो बना सकता है पर उसको जाके बाहर लगा नहीं सकता ना तो उसने क्या करा कोलेबरेट करा कोलैबोरेशन करा कि भाई साहब ये जो एक कंपनी है तुम्हारा तो काम है मेरे सिर्फ ये होर्डिंग्स लेके जाना है तुमको लगाने हैं बनाऊंगा मैं लगाऊ तुम दिस इज कॉल्ड कोलेबरेशन वॉट इट कॉल सेंटर कॉल सेंटर तो वही है भैया आप किसी को सर्विस दे रहे हो आपने किसी को एक प्रोडक्ट बेच दिया अपना जब आपने एक प्रोडक्ट एक को बेच दिया तो आपको दूसरा काम क्या होगा उसको सर्विस देना दैट इज कॉल्ड कॉल सेंटर ये काम होता है कॉल सेंटर का आज की सोसाइटी में इन टूडे सोसाइटी कॉन्टेक्ट इज ओफन टेकन एज मैटर ऑफ कॉर्स करेक्शन मैनी कंपनीज कंसिडर हु इंटरेक्ट विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन

उनकी जो प्रॉब्लम सुनी उनका सोल्यूशन देना दिस इज़ ओनली द वर्क ऑफ कॉल सेंटर क्योंकि ई कॉमर्स में आपने अगर देखा होगा आपने एक प्रोडक्ट खरीदा उस आपके पास पहुंच गया ऑनलाइन उसमें कोई डिफेक्ट आया तो आप क्या करोगे आप कॉल सेंटर को कॉल करोगे कि सर आई हैव रिसिव्ड दिस प्रोडक्ट बट देर इज़ अ डिफेक्ट इन एट तो वो आपसे पूछेगा सर क्या डिफेक्ट है आप उसको बताओगे सर ये डिफेक्ट है तो अब वो क्या कहेगा ठीक है सर मैं आपका यहाँ से रिटर्न पॉलिसी के थ्रू डाल देता हूँ आप इसको रिटर्न कर दो मेरे पास वापस आ जाएगा तो ये सब क्या है कॉल सेंटर यानी आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी क्योंकि लोगों दुकान अब दुकानदार से जाके क्यों खरीद रहा है मालम ओके तो मैं पता है कि दुकानदार बैठा है कल ही सामान खराब होगा मैं इसकी दुकान पर फेंक जाऊंगा ऑनलाइन खरीद रहे हो तो ऑनलाइन तुम्हें सपोर्ट कौन देने वाला है ये कॉल सेंटर अगर ये कॉल सेंटर्स नहीं होंगे या कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आपका ई मैनेजमेंट ई कॉमर्स का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा हो जाएगा मेरे बच्चों खराब वो चल ही नहीं पाएगा ठीक है तो आज के अपने आ, इस टॉपिक को हम लोग यहीं विराम देते हैं तो हमने ये चार सी अपने पढ़ लिए चारो सी मैंने आपको समझा दिए कि वो चार सी कौन से हैं जिसके ऊपर ई कॉमर्स टिकी हुई है या ई कॉमर्स काम कर रही है तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्ट क्या होता है भाई जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं सामान होगा उस सामान हमें बेचना भी पड़ेगा तो प्रोडक्ट सप्लाई सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं तो तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए अपने क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिए जय हिंद जय जै भारत